गुड मॉर्निंग, राम राम जी, जय श्री कृष्णा। तो जी चलिए कीजिए आज मेरे साथ अपने दिन की शुरुआत शिव शंकर महाराज के दर्शनों के साथ में। और जी आज है संडे, तो जी मैंने सोचा कि आज आप सभी को सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। कीजिए मेरे साथ अपने दिन की शुरुआत। और जी जो मांगना हो, जो अपनी इच्छा हो भोलेनाथ जी से, आप सभी मांग सकते हैं। तो जी चलिए आज करते हैं हम अपने दिन की शुरुआत। आज मैं आदिर एक नए ब्लॉग के साथ में आप सभी का स्वागत है, अपने YouTube चैनल देवप्री सिस्टर्स में। तो जी चलिए आज देखिए हमारा आज का नया व्लॉग, संडे का व्लॉग। और जी कीजिए हमारे साथ अपने दिन की शुरुआत। चलिए गाइस चलते हैं। दर्शन ओम नमः शिवाय, बोलो बाबू। ओम नमः शिवाय। तो गाइज कर लीजिए अच्छे से प्रभु जी के दर्शन सुबह सुबह। तो जी जैसा आपको पता है कि आज है संडे, संडे में तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाते। तो जी आज हमने जल चढ़ाया सूर्य देव भगवान को। और जी अब करते हैं नाश्ता अपना और काम करते हैं। चलिए दिखाएंगे गाइज आज संडे में हम सब क्या कुछ करने वाले हैं। जी देखिए अब हमारी पूजा हो गई और अब मैं करूँगी नाश्ता। मम्मी जी पी रही है चाय, मैंने चाय बनाई है अपने और मम्मी जी के लिए। और नीचे चल रहा है आज साफ सफाई का काम, पति देव भी कर रहे हैं कुछ थोड़ा सा काम, क्योंकि वो लाए थे कंपनी में से छोटे छोटे प्लांट, उनको भी लगाएंगे। और जी बच्चे भी आज तो नीचे ही है, अभी तो वो सुबह के नीचे ही गए हुए हैं अपने पापा के साथ में, भी आए भी नहीं ऊपर। तो जी देख के पति देव लगे पड़े हैं अपने काम में और एक बंदा भी है उनके साथ में उनकी हेल्प के लिए। और जी देखिए फिर से बारिश आने वाली है, हो ही रही है कल से, तो बारिश रुकी नहीं रही। और बच्चे गए हैं शायद इधर अपने ताऊ जी के घर पर खेलने के लिए। और मम्मी जी ले रही है अपनी सुबह की दवाई, थायराइड वाली ले रही क्या आप दवाई? अच्छा तो जी मम्मी जी ले रही है अपनी बीपी की दवाई, क्योंकि बीपी की रहती है मम्मी जी को प्रॉब्लम, और थायराइड भी है वो तो सुबह ही ले लेती हैं। देखिए बारिश आने वाली है, फिर से बन चुका है बारिश का मौसम। अब मम्मी जी कुछ डिसाइड हुआ बनने के लिए या नहीं? कुछ नहीं। तो जी देखिए पहले तो हमने काटी लौकी की, लौकी बनाएंगे। फिर पति देव बोले की लौकी नहीं, वो पुलाव बनाओ। तो जी हम आलू और टमाटर काटने वाले थे, फिर बोले की फिर वो भी रिजेक्ट कर दिया। अब बोले कि इसको भी रहने दो। तो जी आज हमें तो पता नहीं चल रहा कि क्या बनना है क्या नहीं, लगता है कुछ बाहर से लेकर आने वाले हैं। और जी हमने तो सोचा था कि आज अपने पुलाव में टमाटर भी एक ही डालेंगे, क्योंकि टमाटर हो गए हैं इतने महंगे। मम्मी जी ने कह दिया था कि आज दो नहीं डालना, बस एक ही लेकर आना। क्या रेट लाए थे कल पापा जी टमाटर? तो जी देखिए 100 रुपये के आधी किलो टमाटर आए थे कल। और जी चलो जी अब जो भी बनेगा, टमाटर तो बच ही गया हमारा। टमाटर बच जाएगा आज, आज सब्जी में डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ना वो पुलाव खा रहे हैं, लौकी तो खैर खाते ही नहीं। वैसे कड़ी भी रखी थी उनके लिए, तो जी मुझे लग रहा कि वो जरूर बाजार से लेकर आएंगे छोले भटूरे, क्योंकि ज़्यादातर वो ऐसा ही करते हैं। तो जी चलिए दिखाएंगे आपको, कड़ी रोटी खा लेंगे हम तो जी, कड़ी के लवर है कड़ी भी खा लेंगे। और जी चलिए दिखाती हूँ आपको, प्रीत भी उठ गई है सोकर। चलो बाबू गुड मॉर्निंग बोलो, ऐसे नहीं अच्छे से हाथ जोड़ के बोलो सबको, नमस्ते जी गुड मॉर्निंग हाथ जोड़ के बोलो, हाथ जोड़ के बोलो सब सबको, अच्छे से हाथ जोड़ के नमस्ते जी बोलो। बच्चे बिल्कुल भी बातें नहीं मानते। देखिए मेरी बेटी नहा चुकी है, हो चुकी है रेडी। और इसके ना हमने जब ये कानों में बालियां डलवाई थी ना, तो जी वैसे तो ठीक हो गए थे कान, लेकिन एक कान में फिर से थोड़ा सा दर्द हो रहा है। दिखाना बाबू, देखो जी आपको दिखाऊंगी क्या हो गया है देवशी के कान में। देखिए जी कैसे रेड हो रहा है, अभी मैंने इसको किया है डेटोल से साफ। वैसे तो मेरा बेटा बहुत स्ट्रोंग है, दिखाओ दिखाओ इधर से दिखाओ, ऐसे देखिए जी, वैसे तो मेरा बेटा बहुत स्ट्रोंग है। हाँ ये तो जी देखिए आज है संडे और पति देव कर रहे हैं आज बगीचे में काम, क्योंकि बारिश से सब जगह काई काई और सीलन नमी घास वास पता नहीं क्या क्या पैदा हो गया है। और जी एक बंदा बुलाया इन्होंने अपने साथ में काम करने के लिए, क्योंकि अकेले से तो कुछ से इतना काम नहीं हो पाता। जो पेड़ बड़े हो रहे थे वो उनकी कटिंग कर दी है, हटा दिए है वो कुछ बगीचे में से। पहले कूड़े वो बैठे हो गए,
ये अभी हम माँ बेटी आपको दिखाएंगे कुछ जो वर्षों पुराना है और ये आज हमारे हाथ लग गया है एक खजाना, वो खजाना हम आपको दिखाएंगे। चलिए गाइस, ये हमारा खजाना दिखाइए बेटा। तो गाइस देखिए, ये है देवप्रीत की अम्मा की शादी की घड़ी। तो जी देखिए, अब तो ये चीजें नहीं मिलती देखने को भी, और मम्मी जी ने रख रखी है, उठाकर कितने संगवा कर। ये देखिए गाइस, रुको एक मिनट। तो जी देखिए अच्छे से, शायद जो मम्मी जी की एज की होंगी सबके पास होंगी ये पुरानी यादें। तो जी ये कुछ ऐसी यादें होती है जो हमेशा याद रहती है, इन्हें देखकर एकदम से याद आ जाती है शादी की। हाँ ये है हमारी शादी की, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें पुरानी यादें होती है और मम्मी जी ने रख रखी है बहुत संभाल कर। आज ये प्रीत के हाथ लग गई तो ये बाहर निकाल कर ले आई। तो जी हमने सोचा कि चलिए आपको भी दिखा देते हैं। ये है खजाना, वैसे ये बंद हो चुकी है, ये नहीं चलती, टाइम नहीं बेटा, इसके सामान भी नहीं मिलते। अब ये पुरानी चीज़ें थी लेकिन होती बड़ी कीमती थी, ये जिसके पास होती थी समझो उसके पास तो ना जाने क्या खजाना है। अब तो खैर इन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू नहीं रही, लेकिन उस टाइम पे बहुत कीमती होती थी। आज तो इसे मैं शॉप पे लेके जाऊंगी। ये लेकर जाएगी जी इसको शॉप पे, इसको सही कराने के लिए, क्योंकि ये अभी जाएंगे बच्चे अपने पापा के साथ मंगलोर मस्ती करने। तो जी चलिए दिखाएंगे आपको जी, आज है क्या है मेरी बेटी बताएगी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो जी आज है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो जी हम मम्मी बेटी कर रहे हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंजॉय। मम्मा तो अभी बनाऊंगी फ्रेंडशिप बैंड, मैं अभी लेके। अच्छा जी, तो मेरी बेटी मुझे पहनाएगी फ्रेंडशिप बैंड, और आपकी फ्रेंड कौन है तो बता के जाओ। तो जी वो तो जा चुकी है फ्रेंडशिप बैंड लेने के लिए, क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मा आप ही हो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड। तो जी आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों का होना भी है बहुत जरूरी है। जी देखो जनता पार्टी जा रही है, जो घर का खाना नहीं खाते उनका हाल देखो जी। दोपहर में पढ़कर वैसे तो आराम करते, लेकिन जब ये जा रहे हैं दोपहर में छोले भटूरे लेने के लिए। आप मैं तो खाती भी नहीं, मैंने तो कड़ी चावल खा लिया अपने। तो जी देख रहे हैं चट्टू का हाल, अभी दोपहर में जा रहे हैं छोले भटूरे खाने। हाँ जी मैं तो पतीला भर के खा लिया मैंने तो। तो जी देखिए हमारा केले का पेड़ हो गया है कितना बड़ा, और जी आज हम इस पे से तोड़ेंगे अपने केले का चरखा भी। और यहाँ पर आज पति देव ने एक बंदा बुलाकर की है सफाई की जी। अब तो यहाँ पर सब कुछ साफ साफ हो गया है, अमरूद भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको पेड़ इतने घने हो गए थे, इनको हवा बिल्कुल नहीं लग रही थी ना ये बढ़ पा रहे थे। तो जी देखिए अब हम यहाँ पर आराम से घूम भी सकते हैं, वरना यहाँ पर आ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि मच्छर वगैरह डर था कि पता नहीं क्या काट लेके आना है यहाँ से। और जी देखिए अभी पेड़ पर अमरूद तो हैं थोड़े छोटे छोटे, ये लग रहा है मुझे थोड़ा सा बड़ा, ये बड़े होने भी लग रहे हैं गाइस देखिए। तो जी जब बड़े हो जाएंगे पक जाएंगे हम आपको जरूर खिलाएंगे अपने पेड़ों के मीठे मीठे ताइवान पिंक। और जी अभी पति देव और बच्चे जा रहे हैं मार्केट छोले भटूरे लेने, चलिए दिखाते हैं आप। हो गई है इनकी तो गड्डी रेडी छोले भटूरे लेने जाने के लिए। बाय, धीरे धीरे जाना, जल्दी आना, दोपहर हो रही, ना चश्मा लगाया और ना कैप ली इन लोगों ने, क्योंकि ये मिर्ची के पेड़ लगाए थे जी, देखिए इन पे तो कुछ भी नहीं आया, बड़े हो गए इतने, नहीं तो ऐसे ही कटिंग करनी पड़ेगी यहाँ से। तो जी बच्चे और पतिदेव तो चले गए, और जी देखिए अब यहाँ पर कितना साफ हो गया है ये हमारा, मैं भूल जाती हूँ इसमें, और जी उस पेड़ में कि ये नींबू है या मौसम्बी, जब लगेगी तो तभी पता चलेगा गाइज कि इनमें कौन सा नींबू है और कौन सा मौसम्बी। तो जी देखिए कभी कभी धूप भी। तो जी देखिए जो यहाँ पर ये पेड़ था ये था बहुत बड़ा, इससे पूरी दीवार देखिए कैसे खराब हो चुकी थी, तो जी इसलिए ये पेड़ यहाँ से छोटा कर दिया, अभी पूरा तो नहीं निकाला, कुछ पेड़ ऐसे कटिंग किया तब जाकर यहाँ थोड़ा सांस आया है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और जी ये पेड़ था इसमें फूल भी अच्छे थे और खुशबू भी रात को ऊपर तक जाती थी गाइज, बड़ी अच्छी स्मेल आती थी। तो जी देखिए बच्चे और पति देव तो जा चुके हैं मंगलोर, मैं आई थी नीचे उनको छोड़ने के लिए, और जी अब चलते हैं ऊपर। अब ऊपर चलकर मैं करूँगी थोड़ा सा आराम जब तक बच्चे और पति देव आते हैं, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में वो आ जाएंगे। और जब करते हैं थोड़ा सा आराम, कपड़े वगैरह मैंने मशीन में डाल दिया है, जब तक मैं उठूंगी वो तब तक धुल जाएंगे। तो जी चलिए आप भी कीजिए गाइस आराम थोड़ा सा, आज संडे कीजिए संडे एंजॉय। तो जी देखिए ये आए हैं छोले भटूरे, अब खाएंगे बच्चे और पतिदेव छोले भटूरे और ये समोसे।
और ये चार क्या है? शुकर। ये आपका शुकर ये है। देवर सिखा देखो कांच का है। पहले दो दो ऐसे ये कांच तो नहीं है प्लास्टिक का है जितने में कांच तो रहा है। अच्छा आपकी वॉच भी लेकर आए आप आज तो भाई बहुत शॉपिंग करके लाए। भाई दिखाओ कितने बजे हो मेरी अंदर अज्जी ना 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 मुझे सुबह ही केलों का चरखा और फिर हम इनको पकाएंगे। नीचे कुछ खराब भी हो गए थे वैसे तो आने लग रही थी लेकिन ये हटा दिया हमने क्योंकि बीच में रुक गए थे फिर नीचे जाके आए थे। हमें एक पत्ता भी तोड़ते चले गए अपना फिर आज तो गाइस देखे हमारा कितना बड़ा केले का चरखा कितने अच्छे अच्छे केले हमारे चरखे पर आए। तो देखिए गाइस कितने प्यारे केले आए थे हमारे इस चरखे पर। अब हम इनको मसाला लगाकर पकाएंगे। देखिए जी बच्चे भी कितने खुश है बच्चे भी आए थे देखने के लिए। गाइस देखिए हमारा केलों का चरखा आ चुका है अब हम इसको पकाएंगे। पति देव ने लगा दिया पूरी जान इसे ऊपर लेकर आने। देखिए गाइस हमारे केले हो चुके हैं तैयार अब ये जाएंगे पकने के लिए। ये पहला चरखा है हमारे केले के पेड़ का। प्रीत बेटा क्या कर रहे हो आप ये? तो गाइस देखिए मैंने दिया था प्रीत को दूध पीने के लिए और इसने देखिए इसमें डाल लिए चोको बार्स और जी ये क्या है हर्षी मिल्क। तो जी देखिए ये एक गिलास दूध और इसने सामान इसमें डाल लिया है इतना ये इतना सामान डाल कर पी। तो जी देखिए हम देख रहे हैं कपड़े हमारे घर पर आए हैं आज कपड़े जैसे पूरा बाजार ही आ गया वो आज हमारे घर पर बाजार। और भी हम देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे सूट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको भी कोई अच्छा लग रहा है पसंद आ रहा है तो आप भी ले सकते हैं पर उसके लिए उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। हम रहते उत्तराखंड मैं पर उत्तर प्रदेश में मिले। बस तो भाई जैसे ही सूट लग रहे हैं गर्मी में पहनने के लिए कितने प्यारे होते हैं देखिए जी कितना अच्छा लग रहा है तो कपड़ा भी सॉफ्ट मिला है। ये भी बड़ा प्यारा लगता है।
तो जी देखिए, कभी हो जाती है बारिश और कभी निकल जाती है धूप। अब निकल चुकी है धूप और आज है संडे, पतिदेव है आज हमारे साथ में, क्योंकि 2-3 संडे के बाद ये रहे हैं घर पर। तो जी चलिए, आज हम करेंगे अपनी वीडियो का यहीं पर एंड और मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ में। कल सुबह मंडे फिर मिलेंगे आपसे। तो जी चलिए, आप भी बाय बाय कर दीजिए मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को। तो जी चलिए, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय।